योगराज सर, दिस वन्स फॉर यू. ऑफ कोर्स इतने साल से आप इंडस्ट्री में हैं, रूल करते हैं. एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग एक्टर वी हैव हियर विद अस. सर, दो चीज. सबसे पहले तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी से मेल खाता है, बिल्कुल साथ में जा रहा है, तो ज़्यादा डिफिकल्टी तो नहीं होगी हुई होगी इसे निभाने में. और दूसरी चीज़, जिस तरह से सर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो इवॉल्व की है इतने वक्त में, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए सर. इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं कुछ अपने दिल की बात आप लोगों से करना चाहता हूं. बम्बई एक ऐसा शहर है, मुंबई हो गया अभी. 42 साल पहले मैं यहां आया था तो मैंने क्रिकेट का दौर अपना शुरू किया था. मफतलाल ने मुझे नौकरी मिली थी. इस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पंजाब मुंबई के लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है. एक्टर कब बना, कैसे बना, मुझे पता लगा. इतने बड़े बड़े मुआज़िब लोग बैठे हैं, इनके बीच में मेरी कोई औकात नहीं है. लेकिन क्रिकेट छोड़ने का और क्रिकेट का जो दर्द है वो मेरे सीने में हमेशा रहेगा. बेशक युवराज सिंह बहुत बड़ा प्लेयर बन गया, लेकिन मुंबई की धरती को हमेशा मैं सलाम करता हूँ. आज बहुत सालों के बाद यहाँ आया हूँ. जब पंजाबी पिक्चरें मैं करता था जवानी में, खैर अब भी जवान हूँ, सफ़ेद दाढ़ी पे मत जाइएगा, तो हमारी डबिंग एडिटिंग वगैरह सब यहीं होती थी. और मैं मातृभाषा में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है. तो यहाँ पे हम बहुत रहते थे मुंबई 42 साल पहले. आपने तो शायद कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे. तब यहाँ हम आया करते थे, सब कुछ यहीं होता था. बहुत सारे किस्से हैं मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए. बहुत सारे चांसेस मुझे मिले, बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर ने मुझे कहा, विनोद खन्ना जी के साथ, धर्म जी के साथ, ये वो. तो वो बात बनी नहीं क्योंकि क्रिकेट मुझे ज़्यादा अजीज़ है. आज भी मुझे क्रिकेट बहुत अजीज़ है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री से या अपनी एक्टिंग से. एक्टर मैं हूँ नहीं, एक्टर गलती से बन गए, आदमी एक्सीडेंटली कुछ भी बन जाता है. लेकिन एक किस्सा आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. इंडियन टीम के साथ हम ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, तो सुनील गावस्कर हमारे कैप्टन थे, माय मोस्ट लव्ड मैन एंड लव्ड क्रिकेटर. तो हमारा एक संडे क्लब हुआ करता था. संडे क्लब में हम सब लोग, मैं, संदीप पाटिल सब, कपिल देव, करसन घावरी, हम सब लोग कुछ ना कुछ एक्ट करते थे कि यार तुम कुछ सुनाओ, तुम ऐसे सुपरमैन बन जाओ, तो कुछ ऐसा करो. तो मेरे को सनी भाई ने बोला कि यार योगराज तुम भी क्या करोगे. मैंने कहा सर मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ. तो मैं वो डायलॉग्स, मेरा गांव मेरा देश, ये वो सब, तो मैंने बोला, तो मुझे कहने लगे मुझे लगता है क्रिकेट कम खेलोगे, एक्टर बनोगे. तो मैं आज भी सनी सर को बोलता हूँ, मैंने कहा जो आपका वो वरदान मुझे एज एन एक्टर बना गया और युवराज को क्रिकेटर बना गया. अब बॉम्बे में आना चाहता था, यहाँ काम करना चाहता था हिंदी पिक्चरों में, लेकिन सबब बन गया पंजाबी पिक्चरों का. मैं अपने आप को आज भी एक्टर मानता नहीं हूँ, लेकिन जो खुदा ऐसा वो है कि अगर उसकी कृपा हो, अगर उसका हाथ हो सर पे, तो गधा भी घोड़ा नजर आता है. मैं उनमें से एक हूँ, ऑनेस्ट कन्फेशन है. मैंने एक्टिंग सीखी नहीं, मुझे एक्टिंग आती नहीं, मुझे पता नहीं. लेकिन एक था, जब मैंने बाल कटाया तो मेरे पिताजी ने मुझे बड़ा मारा, अरे क्या कर दिया. मैं कहा जी मुझे लोग बोलते हैं मैं धर्मेंद्र झा लगता हूँ. तो वो सब बातें जहन में शायद कभी होती हैं. और मुआज़िब प्रोड्यूसर लोग जैसे दी ग्रेट पवन जी, उनके ब्रदर, ये सब लोग, सोनम जी, ये अपने राकेश जी 10 साल पहले, एंड एमी, इन लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार तू क्या खाका एक्टर है. लेकिन चलो मैं कर जाता हूँ जो भी करना है. लेकिन लोगों ने मुझे एक्टर माना, ये आप लोगों की तौफीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है. थैंक यू सो मच. मैं इतना योग्य तो नहीं था, लेकिन आपने मुझे बहुत कुछ दिया है. और वो जो दौर क्रिकेट का यहाँ से शुरू हुआ, फिल्म इंडस्ट्री का शुरू हुआ, आज चलते 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 52 साल में इतनी पिक्चरों करने के बाद, फोर्थ जनरेशन मेरी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, बेटे, इनके साथ काम करके मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ. क्योंकि मैं आज भी कहता हूँ सबसे प्रोड्यूसर से, यार मुझे जरा हीरो लेके देखो, फिर रोमांस देखो क्या होता है. मैं वो रोमांटिक हीरो हूँ जो लड़की के बीच में से निकल जाता हूँ. सो ये बातें मेरी अभी शायद किसी के कानों में पड़ी हैं और लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं. अमी जी मैं माफ़ कीजिएगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके साथ कम्पीट कर रहा हूँ. पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एज फैक्टर में हीरो बनता है आदमी? नहीं. हॉलीवुड में, बॉलीवुड में 70-70 साल के लोग हीरो आ रहे हैं, तो भैया ऐसी बात नहीं है. कुछ मेरी तरफ भी करना गौर तो हम कर सकते. एनीवे, सो थैंक यू सो मच. खुदा की जर्रा नवाजी है, उसकी रहमत है. और मुंबई की धरती वालों, आपके चरणों में प्रणाम है, प्रेस वालों.
इस धरती ने मुझे जो दिया है वो मैं हमेशा बोलता आया हूँ और उसका मैं ऋणी रहूँगा, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया एज एन एक्टर और मेरी औकात बनी कि महान एक्टर के साथ बैठ सका। पवन जी जैसे प्रोड्यूसर्स, पता नहीं, मैं एक बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, मैं रिलेशनशिप में बिलीव करता हूँ, ये पैसा, ये शोहरत, ये टोपी घुमाना, ये मेरे बस का बात नहीं है भाई। बट वेर एवर आई गो, 52 साल में फिल्म इंडस्ट्री में क्रिकेट खिलाते हुए, खेलते हुए, कोचिंग करते हुए, ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पवन जी जैसे इंसान, ऐसा प्रोड्यूसर, ऐसा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। मेरी ऑनेस्ट बात है, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, ठोक के बोलूँगा, बेशक कोई किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये लोग वो हैं मेरी ज़िंदगी में जब भी रिलेशनशिप बने हैं, क्रिकेट में, क्रिकेट खिलाते हुए, फिल्म इंडस्ट्री में, चंद लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अपने दिल से लगा रखा है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमीन और मकान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और भी। सो थैंक यू ऑल द प्रेस। ये सफर जो 70 साल का रहा है, 42 साल, 50 साल जो गुजरे हैं, वो आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, आपकी गोद में, नमस्कार, थैंक यू, गॉड लव यू ऑल।